इलाहाबाद के मेजा इलाके की ये 52 बीघा जमीन बंजर पड़ी है। कारण, इस जमीन को सालों से हल नसीब नहीं हुआ। जिसने भी इस 52 बीघा जमीन पर पैदावार करने की कोशिश की, वो चला गया 2 गज जमीन के नीचे। अपना देसी प्रशासन हो या फिर विलायती हुकूमत, जिसने भी इसे छेड़ने की जरूरत की, या तो वो जान से हाथ धो बैठा या फिर उसके साथ हो गई कुछ अनहोनी। जी हाँ, यहाँ के रहने वालों का तो कुछ ऐसा ही कहना है। उस 52 बीघे खेत पर किसी ने अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की, खेती करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अगर चकबंदी में किसी की खेत पैमाइश में उस 52 बीघे खेत के अंदर आ जाती है, तो वो अपनी पैमाइश वापस करा लेता है। क्योंकि अगर इस 52 बीघे में कोई व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, खेती करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के साथ बड़ा अनिष्ट होता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले एक व्यक्ति जमींदारों की ज्यादती से परेशान हो गया और चाकू मार कर आत्महत्या कर ली। बस तभी से लोगों को डर सताने लगा और इसी डर से बचने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवाया गया। और ये मंदिर धीरे धीरे लोगों की इच्छा पूर्ति की एक जगह बन गई। लोगों का मानना है कि यहाँ सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने सारे शुभ काम करने भी इसी जमीन पर बने इस मंदिर में आते हैं। बड़ी ख्याति है इस ब्रह्मदेव के मंदिर की। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी आप मन्नत माने वो पूरी हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक ओर तो इस जमीन को लोगों के लिए दहशत माना जा रहा है और दूसरी तरफ इसी जमीन पर बना ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, डर और आस्था एक साथ, कैसे? इस बात की सच्चाई ना तो कभी यहाँ के लोगों ने जानने की कोशिश की और न ही कभी प्रशासन इस और गंभीर होता नजर आया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस जमीन ने लोगों के दिलों में एक ऐसा डर पैदा कर रखा है कि कोई इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करता। आखिर क्यों? दिल्ली से अनिल शर्मा के साथ आरिफ राजू, टोटल टीवी, इलाहाबाद।